जीसा आवाज आ रही है? आवे नहीं जी। कैसे है? बढ़िया है। हाँ ठीक है। इस बार सरसों की खेती कर रहे हैं? हैं? सरसों की खेती कर रहे हैं इस बार? हाँ कर रहे हैं। कितने बीघा में? 50 में। 50 बीघा काला वाला ना? हैं? काला वाला सरसों? हाँ काला वाला जी। चलो देखिए राकेश जी, मैं बताऊँ अपने यहाँ सरसों की बीज एक बहुत बढ़िया शानदार बीज आई हुई है एग्रोस्टर ब्रांड की। हैं? एग्रोस्टर ब्रांड के एक बहुत बढ़िया शानदार बीज आई हुई है। हाँ। कैस्पर नाम से हाइब्रिड बीज। और नर्मा वर्ग की है सरसों? कैस्पर कैस्पर नहीं, नर्मा बीज दियो बीच बिसी है। कौन सी नर्मे की बीज? सारे ही है, सुंडी पे ही है, लाल है। नर्मे नहीं है, सरसों का बात कर रहा था। नहीं सरसों में बिसी पे सरसों निहाल करो बाते। एग्रोस्टार से बात कर रहा हूँ, जहाँ से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं आप। दुकान ऑनलाइन तो करा मन भाई विश्वास किया आपका, नर्मा हम सारा जिम्मेदार मर गया। हमारे यहाँ से नर्मा का बीज मंगाया था क्या? आपसे नहीं मंगाया था, कंपनी तो ऐसे हो रहा है ही। कौन सी कंपनी? ये सभी वाली राशि वाली सारी शाम राशि वाले से नहीं बात करा मैं, टाटा की सबकी माड़े है फिर थारे के विश्वास है। तो सर हमारे दुकान से तो खरीदारी करते हैं ना, लाल दुकान से खरीदारी तो करा मैंने विश्वास कौन में कर गो बीज बीजांगा क्या सा है? कौन सा पाइनियर बोते हैं? कौन सा ये पिछले वाला है? वही है। कौन सी पिछली वाली है? कौन सी पिछली वाली? देसी सरसों है पीछे की। बात आपकी सही है सर, लेकिन मैं बताऊं हमारे यहाँ जो है ना कैस्पर, आपको पता है कि आपके साथ एग्रोस्टार ने कोई दिक्कत परेशानी हुआ है एग्रोस्टार से जुड़े? नहीं नहीं, ये कंपनी कोई कंपनी पर विश्वास नहीं रहे किसान को। क्या सब घर वाले बीजेंगे, अगले साल देसी नर्मा बीजेंगे, कोई नहीं बीज लेगा। राकेश जी हमारे यहाँ से आप इतने सारे खरीदारी किए, आपको किसी चीज में दिक्कत आई है ये बताइए एग्रोस्टार? ये दिक्कत नर्मे में आ गई। सारे लोग एक जैसे होते हैं, नर्मे का बीज तो हम लोग दिए नहीं थे ना आपको सा बिज्जत नहीं है, उस कंपनी से लेके तो बेचते आप है। तो राशि वाला कंपनी था ना ये, एग्रोस्टार में है कंपनी। ये राशि का बीज आप लेकर और हमें किसान को बेचते हो? मैं आपको तो साहब बीज दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया सर? मैं आपको कब बीज दिया ये बताइए? आपने नहीं दिया और किसानों को दिया है? किसानों से पूछ लीजिएगा जो एग्रोस्टार से बीज ले गए हैं, जानकारी एक बार ले लीजिएगा साहब। क्यों नहीं अब की बार नहीं दिया? कौन से किसान भाई को दिया गया, कौन से नर्मा खराब हुआ बताइएगा? सभी किसान के, गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट सारा खराब है, राजस्थान में सब नर्मे खराब है। किसान भाई को बढ़िया हमारे यहाँ से बीज गई है, एग्रोस्टार से कोई शिकायत नहीं है किसान भाई को? एग्रोस्टार यार बार 80 रुपए बीज तो थे बेचो, पिछले बार तो राशि का बीज दिया ही नहीं गया, अपना एग्रोस्टार का ही बीज था। एग्रोस्टार खुद का क्यों? हाँ ये हनुमानगढ़ के पास में कहाँ पर लगा आपका बीज, मैं देख के आता हूँ। कौन सा बीज ये आपने कहा ना एग्रोस्टार का बीज दिया है? मैं बताऊं साहब, देखिए ऐसे तो आपको बता नहीं पाऊंगा कि यहाँ से हनुमानगढ़ में कौन से इलाके में लगा हुआ है। आप बताने क्यों नहीं पाएगा, आपके पास सारा रिकॉर्ड है। देखिए साहब मैं बताऊं, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना, किसान एक जैसा नहीं, बीज तो एक जैसा होता है। तो इंसान कंपनी भी एक जैसी नहीं होती, सबका बीज अलग अलग। ये जो आपको बीज बता रहा हूँ ना, 100% कोई भी कंपनी है नर्मे का बीज 100% खराब है साहब। वो नर्मे का बात छोड़िए, मैं बता रहा हूँ आपको सरसों का बीज। सरसों फिर वो वही सरसों होगी, फली लगेगी नहीं लगेगी क्या विश्वास है? एग्रोस्टार ब्रांड की बीज बता रहा हूँ ना कि दूसरे एग्रोस्टार, मान लो आपकी एग्रोस्टार में ले ली सरसों, हाँ उसके फली ना लगी तो आप क्या करोगे? जिम्मेदारी अपनी रहेगी पूरी। क्या करोगे तो जिम्मेदारी का मतलब क्या है? जो भी दिक्कत आएगा वो कंपनी देगी आपको, और बताइए। कंपनी देगा, आप मुझे 20 लाख का चेक भर के दे दो और मैं बीज ले लूंगा आपका। ऐसे तो अगर सारे किसान में क्या है विश्वास है तो ये विश्वास कहाँ पर रहे नहीं है, सारे किसान है अपनी सरसों घरवाली देसी सरसों वही बीजेंगे। कोई बात नहीं सर, घर वाला सरसों आप बीज। हाँ बीज लेंगे, ठीक है ठीक है, धन्यवाद सर।